चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टीम से जुड़ गए हैं। जडेजा के जुड़ने पर सीएसके ने शेयर की है तस्वीर। जडेजा अपनी तूफानी बैटिंग, घातक बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। जडेजा ने सीजन 16 के फाइनल में चौका लगाकर सीएसके को जीत दिलाई थी। आईपीएल सीजन 17 का पहला मैच सीएसके और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर की फिटनेस सिरदर्द बन गई है। मुंबई टीम के मैनेजर भूषण पाटिल ने श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। भूषण के मुताबिक टेंशन की कोई बात नहीं है, अय्यर ठीक हैं और दो दिनों में प्री आईपीएल कैंप के लिए कोलकाता जाएंगे। 23 मार्च को केकेआर अपने घरेलू मैदान पर ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगा। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी आईपीएल सीजन 17 से बाहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एनगिडी चोटिल हैं और टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एनगिडी की जगह दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक फ्रेजर को जगह दी है। एनगिडी ने 14 आईपीएल मुकाबले खेले हैं जिसमें उनके नाम 25 विकेट दर्ज हैं। आईपीएल में एलएसजी ने बड़ा दांव खेला है। एलएसजी ने टीम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी एडम वोजेस को कंसल्टेंट के तौर पर जोड़ा है। एडम के पास आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस भी है। एलएसजी के चीफ कोच जस्टिन लैंगर ने वोजेस के बारे में जानकारी शेयर की है। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल चुके रॉबिन उथप्पा ने एमएस धोनी की बल्लेबाजी पर बड़ा बयान दिया है। उथप्पा ने बताया है कि धोनी जब तक चाहें सीएसके के लिए खेल सकते हैं, भले ही वे व्हीलचेयर पर हैं। मैदान पर धोनी व्हीलचेयर से उतरें, बल्लेबाजी करें और फिर वापस लौट जाएं। उथप्पा ने आगे बताया कि धोनी के लिए बल्लेबाजी कोई मुद्दा है। केकेआर से जुड़ने के बाद गौतम गंभीर का मानना है कि मिचेल स्टार्क को टीम में शामिल करना टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित होगा। केकेआर ने ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। गंभीर ने आगे बताया कि जिस कीमत पर स्टार्क को खरीदा गया है उसका टैग उन्हें परेशान नहीं करेगा। गुजरात टाइटंस के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 36 साल के वेड शेफील्ड शील्ड फाइनल में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। ये मुकाबला तस्मानिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। मैथ्यू वेड आईपीएल के शुरुआती मैचों में गुजरात टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 95 रन की पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर को वापस मिल सकता है बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। विदर्भ के खिलाफ अय्यर की पारी ने मुंबई की जीत में अहम रोल निभाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस शामिल करने पर बीसीसीआई विचार कर रही है। वनडे और टी20 फॉर्मेट में स्टॉप क्लॉक रूल परमानेंट होने जा रहा है। आईसीसी ने फैसला लिया है कि दोनों फॉर्मेट में टाइम मैनेज करने के लिए इस रूल को अप्लाई किया जाएगा। स्टॉप क्लॉक रूल में बॉलिंग टीम को पारी का अगला ओवर शुरू करने के लिए 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर टीम पर पेनल्टी लग जाएगी। हर तीसरी गलती पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने फेवरेट मैच पर बात की है। पोंटिंग ने कहा है कि वो भारत पाकिस्तान मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। रिकी पोंटिंग के मुताबिक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये मैच काफी एक्साइटेड होने वाला है।